हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मोशन ऑफ अ कार ऑफ अ बैंक रोड देखा था, ठीक है। आज देखते हैं मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। पूरा लेवल रोड पे कोई भी व्हीकल अगर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो उसकी मोशन कैसे होनी चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे व्हीकल आपको शो किया है, सर्कुलर स्मूथ तो नहीं बोल सकते बट लेवल रोड बोल सकते हैं। ऐसे सर्कुलर पाथ, इसकी रेडियस कितनी है आर, ठीक है। एस वन यू फिगर, व्हीकल इज ट्रैवलिंग ऑन ए लेवल रोड। व्हीकल इज ट्रैवलिंग ऑन ए लेवल रोड व्हिच हैज रेडियस आर। रेडियस बेटा कितनी है आर। अभी आप जानते हो कि जैसे व्हीकल ऐसे सर्कुलर मोशन में रोटेशन करता है तो उसका सेंटर की टुवर्ड्स कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। ये जो रेडियस आर है तो टोटल फोर्सेस यहाँ पे कितने अप्लाई होंगे, तो फोर्सेस अप्लाई ऑन व्हीकल, पहले तो आप जानते हो नॉर्मल है जिसको हम एम बोलते हैं, कौन सी डायरेक्शन होगा ऑलवेज अपर डायरेक्शन। सेकंड है वेट जिसको हम डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी बोलते हैं, ये कौन सी डायरेक्शन में होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। थर्ड है कौन सा सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स जो है एफ सी वो कहां पे होगा टॉवर्ड्स दी सेंटर। तीन फोर्सेस यहाँ पे अप्लाई है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर एन जो यहाँ पे नॉर्मल है वो कौन से फोर्स को बैलेंस कर रहा है, एन इज इक्वल टू हम एम जी लिख सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एन माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो लिखे तो भी चलेगा क्योंकि एम जी को इस साइड पे जाने दो, क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो टॉवर्ड्स दी सेंटर, बट कैसे ऐसे पैरेलल है साइड, मान लो कि व्हीकल यहाँ पे फिर यहाँ पे रोटेशन होकर फिर यहाँ पे, फिर भी ऐसे ही रहेगा। और सेम जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा तो साथ में मान लो कि व्हीकल अगर यहाँ पे उसका सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे होगा कि नहीं, बट ऐसा पूरा जो सर्कुलर पाथ है यहाँ से ये सर्कुलर पाथ है यहाँ पे तो फुल सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे कर्व है, ठीक है। तो जब व्हीकल यहाँ पे होगा तो यहाँ पे और एक फोर्स लगेगा, वो व्हीकल के ऑपोजिट में होगा, कौन सा फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो हियर फ्रिक्शनल फोर्स एफ एस इज ऑल्सो अप्लाई जस्ट opposite to the motion of a vehicle. आया समझ में? व्हीकल की ऑपोजिट मोशन में एक फोर्स अप्लाई होगा, तो यहाँ पे याद रखो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और यहाँ पे सेकंड है अपना फ्रिक्शनल फोर्स, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हो एम वी स्क्वायर बाय आर होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो एफ एस है वहां पे हम यू एस एन लिख सकते हैं, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। चलो एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर जो है उसको यहाँ पे लेट
ट्रांसफर कर देते हैं, यूएस हो गया, एन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एम जी, एम एन कैंसल, अगर वी स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाना बनाएंगे तो यहाँ पे यू एस आर जी हो जाएगा और उसकी मैक्सिमम जो सेफ स्पीड है वो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, यू एस आर जी। क्लियर? तो जब भी प्लेन रोड होता है तो लेवल रोड होता है, तो लेवल रोड में जब व्हीकल ट्रैवल करता है तो उसकी मैक्सिमम सेफ स्पीड कितनी होती है, म्यू एस आर जी। म्यू एस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, आर तो रेडियस है और जी आप चाहते हो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल नंबर 5.8। इलस्ट्रेशन अपना कितना है 5.8, इलस्ट्रेशन 5.9 है, पहले डिस्कस करते हैं 5.8। A mass of 4 kg rests on a horizontal plane. The plane is gradually inclined until an angle of 15 degree. ये जो है प्लेन वो 15 डिग्री के साथ क्या हुआ, इंक्लाइंड, ये तो हॉरिजॉन्टल। द मास जस्ट बिगिन टू स्लाइड, देखो जस्ट बिगिन टू स्लाइड मतलब नीचे की तरफ आ रहा। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस, मतलब हमें म्यू एस फाइंड करना है, म्यू एस हमें फाइंड करना है एंड थीटा इज जीरो, थीटा इज 15। ओके, सो लेट्स टेक द कंपोनेंट ऑफ दिस ब्लॉक। ब्लॉक के सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है जिससे ब्लॉक जब नीचे आए उसको अपोज कौन करेगा, उसका फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शनल फोर्स जस्ट इसके अपोजिट अपोज में आएगा। आ रहा है समझ में? थोड़ा प्रैक्टिकली भी आपको बता दें कि यहाँ पे मान लो कि ये ब्लॉक है, ये जैसे ही मतलब ऐसे डाउनवर्ड साइड आया, ये डाउनवर्ड साइड आ गया, तो यहाँ पे जो ब्लॉक है उसके जस्ट अपोजिट में कौन सा होगा, अपना फ्रिक्शनल फोर्स होगा। ये डाउनवर्ड साइड आ रहा है, जो अपोज कौन करेगा, उसका जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो जस्ट उसको अपोज। तो जैसे ही यहाँ पे दो कंपोनेंट है हमारे पास, एम जी साइन थीटा और सेकंड है हमारे पास एफ एस, तो ये दो दो जो फोर्स है वो बैलेंस करेंगे, तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ एस, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है एम जी कॉस थीटा is equal to n, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। चलो फर्स्ट इक्वेशन जो है उसको डिवाइड करते हैं सेकेंड के साथ, एम जी साइन थीटा डिवाइड बाय एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ एस डिवाइड बाय n। अभी एफ एस की वैल्यू जानते हैं, यहाँ पे एम जी हो गया कट, साइन बाई कॉस हो गया tan, tan theta is equal to mu s n। यहाँ पे जो normal force है वो भी cancel हो गया, tan theta is equal to mu s, तो that theta हमारे पास है 15 degree, mu s is equal to tan 15। तो mu s की जो value है tan 15, natural tangent के बारे में जाते हैं, natural tangent फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में 15 डिग्री है वो फाइंड करना है, उसमें फर्स्ट जो जीरो होता है, जीरो की जो रो है इसमें 15 पे कितनी वैल्यू जाती है वो फाइंड करनी है, वो आपका लास्ट आंसर।
clear? Now move on to the illustration number 5.9. यहां पर है ट्रॉली, यहां के इसके जस्ट ऑपोजिट कौन सा फोर्स अप्लाई होगा? तो सर जस्ट ऑपोजिट में वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाई होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों अप्लाई होगा? कि ट्रॉली जस्ट मूव कर रहा है, ऐसे मतलब अगर स्टेडी होती तो उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन होता, बट जैसे ही मूव कर रही है दैट मींस उसमें कौन सा होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। अभी यहां पे साथ में यहां पे कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ये जो पुली है उसके ऊपर है और यहां पे ब्लॉक, ब्लॉक है वो 3 किलोग्राम का और डाउनवर्ड साइड जो फोर्स है वो कितना है अपने पास? 30 न्यूटन का। कितना है? 30 न्यूटन का। तो व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम शोन इन फिगर 5.12a? If the coefficient of kinetic friction between the trolley and the surface is 0.04, the mu k की वैल्यू हमें दी 0.04, then what is the tension in the string? String जो है उसमें tension कितना? G की वैल्यू आपके पास बता 10 meter per second square. मीटर पर सेकंड। नेगलेक्ट द मास ऑफ दिस स्ट्रिंग, नेगलेक्ट द मास ऑफ दिस स्ट्रिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे जो जो डायग्राम है उसको पहले तो सेपरेट कर देते हैं, उसकी एमबीडी बना थ्री बॉडी डायग्राम। नाउ सेपरेट दिस डायग्राम, हियर वी कैन पुट द ब्लॉक, द फोर्स व्हिच इज अप्लाइड जस्ट अपवर्ड इज अ टेंसाइल फोर्स and downwards it is weight, W is equal to mg. Here you have given this force, already you have given this force as 30 meter. Okay, so first everybody बन गया। अभी याद है ये ट्रॉली ऐसे डाउन बढ़ा तो 30 न्यूटन ग्रेटर होगा कि टी ग्रेटर? ऑब्वियस 30 न्यूटन ग्रेटर होगा क्योंकि वो डाउन साइड आ रही है इसकी। ऐसे फॉर्मूला लिख सकते 30 greater, इसमें से t को माइनस किया, is equal to ये one kind of force है, तो force का फॉर्मूला क्या होता है? F is equal to m, clear? तो 30 minus t is equal to m, m की वैल्यू हमारे पास है 3 a, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन बनाते हैं, यहाँ पे ट्रॉली स्मूथ सरफेस, यहाँ पे हो गया टेंशन, इसके जस्ट अपोजिट में कौन सा फोर्स होगा? फ्रिक्शनल फोर्स होगा। ट्रॉली की मूवमेंट इस साइड पे 20 केजी हो गया, कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? बट ये कौन सा काइनेटिक फ्रिक्शन होगा कि ऑलरेडी मोशन में इसीलिए तो ऐसे ट्रॉली जा रही है, दैट मींस टी ग्रेटर है। दूसरा पार्ट बना देते हैं, टी ग्रेटर है, टी माइनस मैंने क्या किया एफ के इज इक्वल टू अगेन एम ए हो गया। अभी मास ट्रॉली का आपको दिया हुआ कितना है, इसको म्यू के एम बोल सकते हैं, इसका फॉर्मूला ये हो गया 10 के। देन अभी टोटल में मास यहां पे जो निकल रहा है म्यू के एम की जो वैल्यू है वो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से कंसीडर करते हैं। चलो म्यू के एम, म्यू के की वैल्यू तो आपके पास है और n की वैल्यू 20 इंटू 10 हो गया क्योंकि जो यहाँ पे जो n है ट्रॉली के लिए जो n होगा उसको बैलेंस कौन करेगा? W इज इक्वल टू एम जी। आए समझ में? ऊपर की साइड नॉर्मल है और नीचे W, तो यहाँ पे t माइनस u के मतलब 0.04 और n, n को बैलेंस कौन करेगा? mg, यहाँ पे लिख देते हैं mg, 20 a हो गया, t माइनस 0.04, m की वैल्यू हमारे पास 20, 10 और 20 a,
पी माइनस, ठीक है, पी माइनस हमने क्या लिख दिया 0.04 इंटू 20 इंटू 10, तो ये तो 200 हो गया, तो 0.04 और ये 200 इज इक्वल टू 28। चलिए इसमें से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे दो जीरो इसलिए तो 4 हो गया 8 और 28, क्लियर। एक इक्वेशन मिला आपको p माइनस 8 इज इक्वल टू 28। तो इसमें से फर्स्ट जो इक्वेशन था इसमें आपके पास t माइनस 8 इज इक्वल टू 10 भी है और दूसरा वाला पास 30 माइनस t इज इक्वल टू ये इक्वेशन है, दोनों का आप सॉल्व करोगे एलिमिनेशन की मेथड जो थी इसमें t माइनस 8 इज इक्वल टू यहां पे 20 है और 30 माइनस t इज इक्वल टू 3a, ये दोनों का आप सॉल्व करोगे इसमें से बेटा आपको t की वैल्यू मिल जाएगी और d की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट करोगे तो d की वैल्यू ऐसे बनते। तो इस तरह के दोनों इक्वेशन आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एग्जांपल नंबर 5.10 और 5.11, 5.10 और 5.11 में एक एग्जांपल बैंक काउंट रोड जो था, बैंक काउंट रोड की थ्योरी प्रीवियस लेक्चर में जो देखी थी उसमें जो मैक्सिमम सेफ स्पीड का फॉर्मूला है उसके बेस पे डिपेंड, और जो सेकंड है उसमें ये जो आपका लेवल रोड का जो फॉर्मूला था ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला पे डिपेंड है, तो दोनों फॉर्मूला के बेस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो 5.10 है वो आज की जो थ्योरी उसके पे डिपेंड है और 5.11 है वो प्रीवियस लेक्चर में जो थ्योरी कर रहे थे उस पे डिपेंड है। तो 5.10 और 5.11 दोनों होमवर्क में करने, ठीक है। तो यहाँ पे अपने इलस्ट्रेशन और सारी थ्योरी इस चैप्टर की हम कंप्लीट करते हैं, ओके। नेक्स्ट टाइम से एक्सरसाइज के सम्स स्टार्ट करते हैं, ओके। थैंक यू वेरी मच।